अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा ज़्यादातर डेलाइट के बारे में सीखा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे मान लो अभी मैं ये वाली फ़ोटो तुम्हारी खींचता हूँ, डेलाइट मतलब इंडोर में, इंडोर में अगर मैं ये फ़ोटो खींचता हूँ तो अपने हिसाब से डार्क सी आती है। लेकिन अगर मान लो इसके सेटिंग में चेंज भी कर देता हूँ, ISO बढ़ा भी देता हूँ और अभी इसको खींचता हूँ तो एक वो चीज़ नहीं आती कमरे के अंदर, और बढ़ा के खींचता हूँ 2500 कर देता हूँ ठीक है। लेकिन ये वाली फ़ोटो अगर हम कमर्शियली खींचना चाहें, अगर इस वाली हमें बिजनेस से पॉइंट ऑफ से खींचनी है या हमें थोड़ा सा फ़ोटो में ग्लैमर डालना है या किसी फंक्शन की फ़ोटो खींचनी, तो ऐसी फ़ोटो से काम तो नहीं चलेगा, है ना। तो जब भी इंडोर में हम फ़ोटो खींचते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत होती है। तो आज का टॉपिक हम लोग का बिजली इसी लाइट के बारे में रहेगा, जो कैमरे की फ्लैश होती है या जो एक्स्ट्रा लाइट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो ये रहता है कि सभी कैमरों में तो नहीं, लेकिन एंट्री लेवल कैमरे में सब में जो है फ्लैश रहती है। तो अभी जैसे मैं आपकी फ्लैश के साथ खींचूंगा तो ये फोटो डिफरेंट आएगी। तो जब आप कॉमर्शियली खींचते हो कोई फोटो को तो आपको एक एक्सटर्नल लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की टॉपिक में हम पूरी एक्सटर्नल फ्लैश की बात करेंगे कि फ्लैश लाइट से फ़ोटो के अंदर ब्यूटी कैसे आती है, ठीक है। अब ये जो कैमरा मैंने बताया, आपके नॉर्मली जो कैमरे होते हैं उसमें एक फ्लैश लगी होती है, तो उससे फ्लैश जब खींचते हैं तो आपकी फ़ोटो में एक लाइट फेस के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर, एक पूरे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लाइट आती है, तो उससे फ़ोटो में एक डिटेल्स आना शुरू हो जाते हैं, ओके। अब अगर मान लो मैं अभी, तो आप मेरे कैमरे से नज़दीक हो, अब अगर तुम थोड़ा पीछे खड़े हो, मैं यहाँ से अगर खींचता हूँ ये फोटो आई अभी, ठीक है। अब इसमें अब आप देख रहे हो, जैसे जैसे मैं और दूर करता जाऊँगा इसको, अभी अभी ये जो आई है फोटो इसलिए आई है क्योंकि ISO बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसमें ISO कम कर दूंगा तो उतनी ब्राइटनेस नहीं आएगी। तो बेसिकली जितने भी ये कैमरे होते हैं इनकी जो फ्लैश होती है इसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। तो जब भी वो लिमिटेशन को हमें ओवरकम करना रहता है तो हम इसके ऊपर एक फ्लैश, एक्सटर्नल फ्लैश माउंट करते हैं। उसके लिए हमारा कैमरे के अंदर एक ये शू अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पे हम इसके अंदर एक फ्लैश माउंट करते हैं। ये इस तरह की एक अलग से फ्लैश आती है, इसको हम यहाँ पर माउंट कर देते हैं कैमरे के ऊपर, और कैमरे में माउंट करने के बाद यहाँ पर एक जब ऑन कर देते हैं तो रेड कलर की लाइट आती है। मेरा फ्लैश अब फोटो खींचने के लिए तैयार है। इसको जब ये फ्लैश की फ़ोटो आई है आपके, इसको जैसे जैसे आप, इसके अंदर तीन सेटिंग्स होती हैं फ्लैश के अंदर, ऑर्डिनरी फ्लैश में नहीं होती, जो मिडिल क्लास फ्लैश होती हैं उसमें ये बटन्स अलग अलग होते हैं, तो उससे लाइट की आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैंने सबसे कम में रखी थी, अब मैंने इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दी है फ्लैश की। अब मैं फ्लैश खींचता हूँ तो ज़्यादा रोशनी निकलेगी, पहले वाले से और ज़्यादा लाइट आई इसके ऊपर। और तुम पीछे चले जाओ जैसे जैसे दूर जाता जाएगा ना, आप देखो फ्लैश की इफेक्ट कम होती जा रही है। तो ये जो एक ऑर्डिनरी फ्लैश है इसकी लिमिटेशन होती है, किसी एक क्लोज रेंज तक तो खींचती हैं, उसके आगे का फिर ये नहीं ले पाती हैं। फ्लैश की जो इंटेंसिटी होती है, फ्लैश की जो कैपेसिटी होती है, उसको नापने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, इसको गाइड नंबर बोलते हैं। हर फ्लैश की अपनी एक, जैसे बल्ब होता है ना,
9 वाट का होता है, 12 वाट का होता है, 18 वाट का होता है, इस तरह के अलग अलग वाटेज के बल्ब होते हैं। जितने ज़्यादा वाट का बल्ब होगा उतनी ज़्यादा रोशनी निकलेगी उसमें। उसी तरह से फ्लैश की इंटेंसिटी को नापने के लिए हमारा जो इंडेक्स है उसको हम गाइड नंबर बोलते हैं। गाइड नंबर मतलब आपके जैसे 40 गाइड नंबर की फ्लैश है, 60 गाइड नंबर की फ्लैश है, 80 गाइड नंबर की फ्लैश है, 120 गाइड नंबर की फ्लैश है, तो उसके हिसाब से आपको फ्लैश की कैपेसिटी का पता चलता है कि मेरी फ्लैश कितनी पावरफुल है। और बेसिकली फ्लैश की कैपेसिटी क्या होती है कि कितनी दूर तक ये फोटो खींच सकती है। फ्लैश की भी एक लिमिट होती है, जैसे ये फ्लैश है 8 10 12 फीट तक खींचती हैं। इसके बाद का अगर मुझे खींचना हो, जैसे नाइट में मुझे मान लो किसी बारात का फोटो खींचना होगा, तो ये वाली फ्लैश काम नहीं आएगी उसमें, क्योंकि उसकी लाइट वहाँ पे असर नहीं करती है। तो ऐसी जगह पे जब हमें शूट करना रहता है तो उसके लिए हमें अधिक गाइड नंबर की फ्लैश की ज़रूरत होती है। और उसके बाद ये वाली फ्लैश से जब हमारा काम नहीं होता है तो फिर हम थोड़ी सी और ज़्यादा पावर की फ्लैश यूज़ करते हैं। ये फ्लैश है, इसका गाइड नंबर जो है 120, उस वाली फ्लैश का 40 है गाइड नंबर। फ्लैश को लगाने के बाद इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ये टाइट कर देते हैं तभी फ्लैश का और कैमरे का आपस में कनेक्शन होता है। अगर ये लूज़ रहा, अब इस वाली कैमरे से फ्लैश से जो हम फोटो खींचेंगे, एकदम से लाइट ज़्यादा पड़ी। पुरानी वाली जैसे पहले वाली जो फ्लैश थी उसके लाइट में और इस वाली लाइट में बहुत फर्क है। तो ये जो है अधिक पावर की फ्लैश है, और इसमें अगर आप देख रहे हो कि चेहरे पे कुछ जरूरत से ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो इसमें किसी भी इस तरह की जो फ्लैश होती हैं उसमें, जैसे मान लो हमारी जो डे लाइट की फ़ोटोज खींचते हैं जब हम, तो हम डायफ्राम से कंट्रोल करते हैं लाइट को, ठीक है। अब हम जब फ्लैश से फोटो खींचते हैं तो हमारे दो तरीके होते हैं लाइट को कंट्रोल करने के। एक तो आप डायफ्राम से कर लो, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर डायफ्राम पे ही खींचना है, जैसा कि हमने डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करी थी कि मुझे किसी पर्टिकुलर डायफ्राम पे ही फ़ोटो खींचनी है, मुझे डायफ्राम चेंज नहीं करना है। तो उस केस में हम अपने फ्लैश की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो प्रोविज़न इसमें फ्लैश में रहता है, अगर पास आके देखो आप लोग को दिखाई देगा आपको, ये इधर आ जाओ। इसमें फ्लैश के ऊपर देखो ये वो चेंज हो रहा है नंबर, तो ये 1/32 टाइम्स रिड्यूस हो गई, ये 64 रिड्यूस हो गई, ये रिड्यूस होती जा रही है। अब जैसे मैं इसमें खींचूंगा तो अभी देखना बिल्कुल लाइट ज़रा सी निकलेगी, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा आपको। तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसको मैंने अभी 1/16 कर दिया इसको मैंने, तो जरा सी लाइट निकली, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इसकी लाइट को। अभी इसको मैंने 1/8 कर दिया, चेंज होती जा रही है। डायफ्राम नहीं चेंज कर रहा हूँ, खाली फ्लैश की इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूँ, डायफ्राम मेरा वही लगा हुआ है। तो हर फ्लैश में इस तरह की जो अच्छी फ्लैश होती हैं उसमें आपको फ्लैश की इंटेंसिटी चेंज करने के लिए प्रोविज़न रहता है, अपने हिसाब से आप उसको फिक्स कर सकते हो। थोड़ा और पास आ जाओ, अभी मैंने इनका क्लोजअप लिया। तो ये जो चेहरा दिख रहा है तुम्हें फ्लैश का, अमूमन अगर आप ऐसी फ़ोटो खींचोगे तो चेहरे ऐसे ही आएंगे, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा आर्टिस्टिक लुक देना है तो इसको मैंने ऊपर कर दिया। अब आप देखिए सब कुछ वही है, हमारा मॉडल भी वही है, बैकग्राउंड भी वही है, कमरा भी वही है, कैमरा भी वही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको कुछ फर्क आया। अब बाकी इसके चेहरे का जो लुक्स हैं उस पर एक सॉफ्टनेस आ गई पूरी। अब हम इसको ISO से चेंज करके थोड़ा सा पिक्चर को और ब्राइट बनाते हैं।
कितना सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा है, सब कुछ वही है, है ना। अगर इसको मैं ऐसा कर दूं, फिर से देखो वही लड़का है, सब कुछ वही है। इसलिए कभी भी हमें अवॉइड करना है डायरेक्ट फ्लश को डालने के, हमेशा हमें बाउंस लाइट का इस्तेमाल करना है। कभी भी अगर आपको ब्यूटी चाहिए अगर, तो ठीक है, ये तो हुआ बाउंस इफेक्ट, ठीक है। अब इसको और सुंदर बनाना है मुझे, ठीक। ये जो हमारा चेहरा है इसका अगर आप देखो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर देखो तो चेहरे पे हमें और ज़्यादा एक्सप्रेशन चाहिए इसके, है ना। ये सामने से जो लाइट डलती है ना, उसको थोड़ी सी फ्लैट लाइट बोलते हैं। सामने से जब भी आप लाइट डालोगे किसी के ऊपर, तो उसके चेहरे पे वो बात नहीं आएगी जो एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ लाइट को, साइड से डालता हूँ। अब आप चेहरे पर डिफरेंस देख लो, नाक उभर के आई बाहर। पिछली फोटो जो थी ना, उसमें देखना आपको नाक नज़र नहीं आ रही, जैसे ऐसे ऐसे खींचता हूँ तो इसमें आपको नाक की लाइन नज़र नहीं आती है। जैसे ही मैं इसको साइड में कर देता हूँ, होंठ भी दिखाई दे रहे हैं, नाक भी दिखाई दे रही है, और चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आते हैं इसमें। ये चीज क्लियर हो रही है? तो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले कैमरे की फ्लैश देखी, छोटी सी फ्लैश, उसकी अपनी लिमिटेशन है। उसके बाद हमने एक फ्लैश लगाई छोटी वाली, वो भी एक लिमिट तक ही खींचेगी। उसके बाद हमने एक पावरफुल फ्लैश लगाई, पावरफुल फ्लैश भी अगर हमने सामने से लगाई, बाउंस करके लगाई, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे हम बाउंस करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे फ्लैश की कैपेसिटी कम होती जाती है। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे खींचा है अगर फ़ोटो, बिल्कुल कैमरे के सामने फ्लैश डाल के, तो अगर मान लो मेरी 16 डायफ्राम में फ़ोटो आ जाएगी, लेकिन अगर मैं छत की तरफ करूँगा तो मेरे को 8 या 5.6 लगाना पड़ेगा उसी ISO के ऊपर, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक। अब इसमें एक अरेंजमेंट और रहता है फ्लैश को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पिक्चर को सॉफ्ट बनाने के लिए। इसको ऊपर तो कर देते हैं, इस साथ में इसमें एक रिफ्लेक्टर होता है, उसको हम निकाल देते हैं। जो ज़्यादातर आपने फंक्शंस वगैरह में देखा होगा, फोटोग्राफर्स फोटो ऐसे ही खींचते हैं, तो एक अरेंजमेंट ये वाला होता है। इसमें भी फोटो अच्छी आती है। इसमें क्या होता है, आपकी लाइट चेहरे पे ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू सीलिंग बाउंस। प्लस क्या होता है, यहाँ पर हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं तो हमें सीलिंग मिल गई, जिससे हमने बाउंस कर दिया। कई जगह सीलिंग होती ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? तो नॉर्मली सड़क पे फ़ोटो खींच रहे हो आप, या किसी ऐसी जगह फ़ोटो खींच रहे हो जहाँ पे कि आपको कुछ भी नहीं है बाउंस करने के लिए। बाउंस करने के लिए हमेशा एक वाइट सर्फेस होना, वही अगर मेरी छत अगर काले रंग की होगी तो भी बाउंस अफेक्ट नहीं आएगा। कई कई जगह होता है कि डार्क कलर की छत होती हैं, या मान लो कोई ऐसी जगह है कि डबल फ्लोर की छत है, कई हॉल ऐसे होते हैं ना बहुत ऊंची छत होती हैं, तो वहाँ अगर आपने खींचना चाह छत की तरफ डाल के तो बाउंस अफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आपका एक ये रहता है, फिर उसके ऊपर एक इसको फ्लैश को डिफ्यूज़ भी कर सकते, एक अंदर एक स्क्रीन होती है, ये इसके ऊपर आ जाती है फ्लैश के ऊपर, वो थोड़ा सा डिफ्यूज़ करती है पिक्चर को। ये हल्के से डिफ्यूज़ कर देती है लाइट को, इसमें बिल्कुल सिल्की स्मूथ चेहरा दिखेगा आपको। लेकिन ये सारी जो मैंने बताई आपको, ये सारी फ्रंट लाइट्स हैं। हमने एक बार छत से बाउंस किया, एक बार हमने साइड से बाउंस किया, एक बार हमने
फ्लिप लगा के बाउंस किया, ये सारे हमारे अरेंजमेंट हो गए। इसके बाद अब दूसरे अरेंजमेंट होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको कि फ्लैश को हम कैमरे से दूर कर देते हैं। अभी एक अरेंजमेंट और दिखा देता हूँ आपको, ये आपको फ्लैश के साथ में मिलता है, ये लाइट को डिफ्यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं कि लाइट को आप कितना ज़्यादा डिफ्यूज़ कर सकते हो। एक ये डिफ्यूज़र मिलता है, इसको आप कैमरे के ऊपर लगा दीजिए और इसके बाद जैसे भी खींचना हो आप, तो लाइट की जो शार्प रेस होती हैं वो चेहरे पे नहीं आएंगी, इससे भी लाइट डिफ्यूज़ होती है काफ़ी। अभी तक हम जो बात कर रहे थे आपसे कैमरा माउंटेड फ्लैश की, अब हम ऑफ कैमरा फ्लैश की बात करते हैं। ये एक छोटा सा ट्रांसमीटर होता है, ये कैमरे में लग जाता है ट्रिगर इसका, इसके और हमारे फ्लैश की आपस में कनेक्टिविटी हो जाती है। उधर दिखाना क्या सेटिंग लगाई, ये भी तो बताया करो। अभी मैंने साइड से फ्लैश लगा दी है इसके बिल्कुल, अब आप इसका चेहरा देखना। थोड़ा सा आर्टिस्टिक चेहरा दिखता है। इसमें हमने एक तरफ से लाइट डाली है, एक तरफ से दीवाल है, दीवाल से बाउंस होकर लाइट चेहरे पे आ रही है। अब अगर इसके ऊपर मैं एक रिफ्लेक्टर और लगा दूं, चेतन इसको पकड़ के डर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, नहीं 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 अपोजिट डायरेक्शन में पूरा खोल लो उसको पहले। देखा चेहरा एक तरफ से वापस, गाल इधर के भी क्लियर हो गए। और ये जो चेहरा आता है ना, मजा आ रहा है फोटो देख के ये वाला। तो अब इसमें क्या है कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चेतन ये लेके बैठो, तुम ये पकड़ लो अम्ब्रेला, ये सेटअप दिखा दो एक बार पूरा कि शाहरुख अब तुम अपने हिसाब से लाइट को जिधर करनी हो करो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप अलग अलग एंगल से लाइट घुमाते रहो और आप अलग अलग एंगल रिफ्लेक्टर घुमाते रहो, आप देखोगे कि चेहरे पे कितना वही सब कुछ है, लेकिन लाइट बदलते रहो बस। चेंज आ गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब लाइट को थोड़ा सा नीचे की तरफ करो चेतन, थोड़ा सा नीचे करो उसको। और चेंज करो लाइट को जैसा चेंज करते जाओ, कोई हमेशा आपको एक अलग, आप सामने डाल दो, सामने से डाल दो। मॉडल वही है, रूम वही है, सिचुएशन बदलती जा रही है बस। और आप जो भी एक कॉम्बिनेशन करना चाहो, और थोड़ा सा पीछे से डाल दो, तुम सामने से लाइट डालो, सामने से रिफ्लेक्टर डालो, चेंज आया। मतलब एक्सप्रेशंस चेंज होते जा रहे हैं मॉडल के आपके, आप लाइट से खेल सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, बस खाली आप चेंज करते जाओ, आपका मतलब मूड चेंज होता रहेगा। थोड़ा लाइट को और नीचे कर लो, नीचे वाले से, नीचे वाले से, नीचे वाले स्टैंड से, स्टैंड से, स्टैंड का क्लैंप खोलो नीचे वाला, हाँ और नीचे करो, हाँ ठीक है। अब पीछे से डालो थोड़ा सा, और पीछे से
जहाँ जितना जाता तुम सामने से रिफ्लेक्टर लगाओ, आप देखो सामने देखो, ये कलर का इफेक्ट आ गया। और जो समझ में आए तुम्हें, जो मतलब एक तो हम पीछे लेना है इसमें बैक साइड, बैक साइड नहीं नहीं वो इसे भी बोल रहा हूं वो जीता है ऐसा लगा है ना। दांत दांत निकालो अपने, पूरे दांत निकालो ना, और निकाल और दांत निकाल पूरे। किसको घोस्ट इमेज बोलते हैं? नहीं ना, ऊपर पंखा है, घोस्ट जैसी फोटो आती है इसमें। अगर नीचे से लाइट डालोगे किसी के तो भूत जैसी फोटो आएगी। अब इसे ऊपर से डालो सर, तुम नीचे से रिफ्लेक्टर लगाओ, तुम नीचे रिफ्लेक्टर लगाओ, तुम और ऊपर लगा दो शाहरुख, और ऊपर लगाओ, और ऊपर, तुम सामने देखो, तुम रिफ्लेक्टर नीचे लगाओ, बाल इसमें शाइनी हो जाते हैं। तो बहुत सारे इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये है अम्ब्रेला बाउंस। अब ये मैं अम्ब्रेला से ले रहा हूँ, अम्ब्रेला से एकदम सॉफ्ट सिल्की स्मूथ फोटो आती है। इसमें मैं थोड़ा सा वो बढ़ा देता हूँ, इसमें चूंकि लाइट डिफ्यूज हो जाएगी काफ़ी, तो ISO थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। फ्लैश की पावर भी बढ़ा देता हूँ, एकदम स्मूथ चेहरा था। तो फ्लैश को और पास कर दो उसके, इसमें आपकी मर्जी है, आप जितने इसमें भी घुमाना चाहो लाइट को अपने हिसाब से घुमा सकते हो। एक ये जो मैंने बताया अभी आपको, ये डिफ्यूज्ड लाइट है। ओके, अब इसे जस्ट घुमा दो उल्टा, ये छाता दीवार की तरफ कर दो, पूरा घुमा दो इसे ऐसा, और थोड़ा सा एंगल इधर करो उसके, और मेरी तरफ पर थोड़ा सा, और थोड़ा, हाँ बस 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 बस। अब ये जो सेटअप है ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है। इसके पहले मैंने अम्ब्रेला से डिफ्यूज़ किया था, अब इस वाले सेटअप में मैंने अम्ब्रेला से रिफ्लेक्ट किया है। दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? पहली बार थ्रू द अम्ब्रेला जा रही थी डिफ्यूज़ होके, अभी अम्ब्रेला से रिफ्लेक्ट होकर इनके चेहरे पे आएगी। अब इसका फोटो देखो आप कैसा होगा, अब इसमें आप एंगल को जैसे से चेंज करते जाओगे अपने हिसाब से, जितने चेंज करने उतने चेंज कर लो, और पास ला दो, सामने से ला दो, अम्ब्रेला थोड़ा सा सामने कर दो, हाँ बस ठीक। चेंज होते जाएंगे, तुम और पास आ जाओ, हमारे अम्ब्रेला भी ले आओ पास, हाँ बस ठीक। इसमें एक तो ये रहता है कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से थोड़ा दूर रखना है, तो बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर ब्लैक जो इमेज आती है ना, इतनी बिल्कुल डार्क इमेज आएगी।
ये जो मैगजीन्स वगैरह जब फोटो छपती है ना कवर पेज वगैरह पे, ऐसे ही सेटअप रहता है कि वन साइड लाइट इज ऑलवेज बेटर। अब इसमें भी अगर आपको वो चाहिए तो अंदर से चित्र वो निकाल लेना रिफ्लेक्टर। और सारा फोकस इसका लो। अभी एक एंड से लाइट है, एक एंड से मैंने रिफ्लेक्टर लगाया। अब इसमें देखो क्या होता है, इधर का चेहरा भी सिल्की हो गया थोड़ा सा। अब इसमें चेहरा एकदम क्रीमी हो गया पूरा। बाल भी थोड़े से ग्लो होने लगे क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही है। और जितना चेंज करना चाहो उतना चेंज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, अपने हिसाब से जो करना हो करना। ये समझ में आ रहा है, लाइट को जहां रखना हो अपने हिसाब से रखो, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टर को रखो। अभी किसी और को बैठाते हैं, बोर होते लगता है। हर फोटो में आपको एक छोटी अलग वो नजर आएगी, जैसे जैसे लाइट को जितना घुमाओगे आप अपने हिसाब से। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर कि मुझे ये लाइट कहाँ रखना है, वो लाइट कहाँ रखना है। हर लाइट को जितने तरीके से आप प्ले करोगे ना, आपको उतना अलग आपको एन्जॉयमेंट देगी वो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये लाइट यहाँ चाहिए, बस ये जरूर है कि हर लाइट का एक अपोजिट जरूरी है, रिफ्लेक्टर या एक दूसरी लाइट होना जरूरी है। सो दैट एक तरफ से जैसे इसको अगर मैं हटा दूंगा ना, हटा दो इसको थोड़ी देर, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे दूसरी तरफ लाइट लगानी पड़ती है अभी जैसे। और कभी कभी वो भी बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ एक तरफ का ही चेहरा है। ऐसा लग रहा कितना दार्शनिक आदमी है। अब इस पूरे सेटअप में कोई भी बहुत महंगी चीज नहीं है। अभी आपको अपने लर्निंग के हिसाब से एक कैमरा चाहिए, एक लाइट चाहिए, एक फ्लैश चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जितने कॉम्बिनेशन लगाने आप लगा दो। आप ये दुनिया की कोई भी मॉडलिंग होती है उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आपके जो भी शूट आते हैं, अगर ये पोर्टफोलियो बना के अपना किसी को भेज दो अगर, तो ये मॉडलिंग ही है पूरी आपकी। देखो कितने तरह के आपके फ़ोटोज़ आए हैं और हर फोटो प्रेजेंटेबल है। एक वो फ़ोटो था, आदमी वही है, सब कुछ वही है, कुर्सी भी वही है, कैमरा भी वही है, लेकिन ये कैमरा, ये फोटो किसको पसंद आएगी? नहीं चलो ये थोड़ी सी डार्क होगी, चलो मैं इसको लाइट कर देता हूँ तो भी। जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है फोटोग्राफी की तो ऐसी फोटोज आती हैं, है ना। सब कुछ वही है, सिर्फ नॉलेज की कमी है। किसी भी एक आम आदमी से जब आप फोटो खिंचवाते हो, हजारों रुपए दे के खिंचवाते हो, आपको फोटो ऐसी ही आती है, ऐसी आती है ना। एक आम फोटो ऐसी आती है। जब भी आप किसी को बुलाते हो अपने घर को कोई फंक्शन करने के लिए और अपने एक कैमरा और एक फ्लैश और वो लेके आ जाते हैं, तो नॉर्मली हमको ऐसी फोटो नहीं खींचनी है, ठीक है।
अभी जो हम लोगों ने बात करी है फ्लैश की, वो तो हमने कमरे के अंदर बात की है। अब आपकी यही वाली फ्लैश डे लाइट में जब आप फोटो खींचते हो तो आपको एक फिल इन फ्लैश का काम करती है। मान लो एक तरफ से सनलाइट आ रही है और सनलाइट में जब हम फोटो खींचते हैं तो चेहरे के ऊपर बहुत सारे शेडोज आ जाते हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए फिल इन फ्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, वो भी एक डिटेल एनालिसिस है पूरी कि इसको फिल इन फ्लैश की तरह किस तरह से यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग अगले लेसन में सीखेंगे। आज हम लोगों ने टोटल देख लिया कि ये बाउंस इफेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड इफेक्ट क्या होता है, डिफ्यूज इफेक्ट क्या होता है, वो सारे हम लोगों ने जैसे प्रैक्टिस करना चाहिए सबको अपने अपने एंड पे जाके कैमरे पे माउंट करके कैमरे से ऑफ कैमरा लगा के, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से अच्छी अच्छी फोटोज साथ में।